राइफल में, या तो पूर्ण रूप से पूरी नौकरी 60 साल तक करके, या किसी कारणवश 60 साल से पहले आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब हमारी फोर्स आप जानते हैं एक बिल्कुल अलग किस्म की फोर्स है। ये सब काम करती है, फौज का पूरा काम करती है, पुलिस का काम करती है, कस्टम का काम करती है, हर इलाके में काम करती है। मैं एक से नाम भूल गया, मैं वॉशरमैन से मैं पूछ रहा था कि ये बताओ आपने कब नौकरी ज्वाइन की, उसने बोला 38 साल पहले। तो मैंने 38 साल में क्या बदला, कौन था वो जिसको पूछा था मैंने 38 साल वाला, हाँ आपको, तो उन्होंने बोला सब बदल गया। जो जिनकी नौकरी जो आज 60 साल में जा रहे हैं, आप जब बात करोगे नए लड़कों से वो आपकी बात नहीं मानेंगे कि पहले फौज कैसी थी आज फौज कैसी है। जब फौज के पास कुछ नहीं था, जब खुकरी थी और बोलते थे कि बिस्तरा टांग, बेडरूम, राशन ले 7 दिन का और पोस्ट बना दे, तो एक पेट्रोल निकलती थी 30 लोगों की, पहाड़ में चढ़ती थी, टेलीफोन नहीं था, सिर्फ एक रेडियो सेट होता था, लोग जाते थे, पोस्ट बनाते थे, रहते थे, चिट्ठी आती थी 1 महीने बाद, मोबाइल नहीं था, कॉन्वॉय में निकलने के लिए पहले कंपनी आओ, वहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर आओ, बटालियन हेडक्वार्टर से सेक्टर हेडक्वार्टर जाओ, उसके बाद ट्रांजिट कैंप जाओ, उसके बाद गुवाहाटी आओ, और फिर उसके बाद अपने अपने घर जाओ। कौन सी है? हाँ, तो हाथी पलटन जो है वो हाथियों में चलती थी, 5 क्रॉसिंग, बूढ़ा देहिंग, देहिंग, माइलस्टोन 52, म्याओं के आगे, तो मुश्किल थी पहले। समय बदला, देश ने तरक्की की, आप लोग भी बिल्कुल जवान लड़के आए थे, पतले पतले, चीते जैसी कमर थी, सख्त हालत में ट्रेनिंग करी, वो दौर देखा नागालैंड मणिपुर में जब फायरिंग क्या होती है, एम्बुश क्या होता है, 80 के दशक में, 90 के दशक में मुश्किल से निकल के आए, अपने परिवार को पाला, अपने संगी साथियों के साथ अपने दिन बिताए, शायद अपनी धर्मपत्नी की सूरत इतनी बार नहीं देखी जितने अपने बगल में जो आपका दोस्त है, आपका नंबरी है, आपका CHM है, आपका लंगर में काम करने वाले कुक हैं, वॉशरमैन है, इन्हीं के साथ रहा, तो एक परिवार बन गया। तो असम राइफल माँ ने जन्म दिया, पाला असम राइफल ने, क्योंकि जिस दिन आप भर्ती में खड़े हुए थे, आप ये सोचो कि आपके दिल में या आपके परिवार के वालों के दिल में क्या, मन में क्या था कि मेरा बेटा किसी तरह भर्ती हो जाए। आपके साथ बहुत लड़के थे वो नहीं भर्ती हुए, पर आपको ये मौका मिला, तो ईश्वर पे आपका आशीर्वाद था। इस फोर्स ने आप सबको पाला, आप से पहले असम राइफल थी, आपके बाद असम राइफल रहेगी। हम सब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आए, हमने अच्छे समय में, बुरे समय में, दुख में, सुख में, गुस्से में, खुशी में नौकरी की, कुछ अच्छी यादें मिली और कुछ शायद बुरी यादें भी मिली हो। कुछ लोगों ने हमारे साथ नया नहीं किया शायद, पर कुछ लोगों ने हमारी बहुत मदद भी करी। तो जिंदगी में हर तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आपको सुख का एहसास नहीं होगा। जब तक आप बुरा नहीं देखेंगे, आपको अच्छा क्या होता है उसके बारे में पता नहीं लगेगा। तो ADG साहब के साथ कुछ दिनों पहले बात हुई, स्टाफ ऑफिसर साहब थे, BGA साहब, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल एडम साहब, तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि आप लोग इतने साल नौकरी करते हैं, आप लोग यहां आते हैं, हमें पता लगता है नहीं कौन इधर से आया कौन गया। शायद कम से कम चाहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कुछ भी करके हम सारे इकट्ठे हों, और ये फोर्स जिसमें आपने सेवा करी, जो आपकी माँ है, इस फोर्स की तरफ से आपको ये बोला जाए कि बेटा तूने अच्छा किया। क्योंकि असम राइफल तो बोल नहीं सकती, पर असम राइफल के नुमाइंदे बोल सकते हैं, और मैं आज असम राइफल का डायरेक्टर जनरल हूँ, और मेरी ये जिम्मेवारी है
कि मैं आप सबको बोलूं, आप अपनी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए। आपके बच्चे भी ये शायद ना बोले कि पापा कि आपने क्या नौकरी करी, शायद उनको भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपने कितनी मुश्किलों से कई बार नौकरी करी, पर आपने अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाया। जाने से पहले जब भी आप जाते हैं, नए लड़कों से पक्का बात करें, फोर्स हमारी है, जो हम बोलते हैं उसी वही बात हमारी फोर्स को या ऊपर ले जाती है या नीचे ले जाती है। अगर हम परिवार की तरह फोर्स में हम सब के सब जब तक हम इधर हैं, जो मुश्किल हो मिल बांट के हल करें तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं वेलफेयर की हमेशा कि मेरे लिए क्या, मुझे क्या। जाहिर सी बात है, हर इंसान चाहता है उसको उसका हक मिले और मिलना भी चाहिए। पर आपकी नौकरी में हमारी फोर्स ने अपना हक अदा किया। आपको 20 साल 19 साल 17 साल से लेके यहां तक लाया, आपके सामने आपका परिवार बढ़ा, आपके सामने आपके बच्चे शायद नौकरी लग गए, पढ़ाई कर ली या करेंगे। फोर्स वैसी है जैसे पहले थी, फोर्स ने हमेशा ध्यान रखा। अब बात करते हैं फोर्स की नुमाइंदों की। हम लोग फोर्स को बनाते हैं जो नौकरी करते हैं। असम राइफल की खुकरी, असम राइफल का निशान यही रहेगा, असम राइफल का झंडा, असम राइफल का कलर, नाम नमक निशान असम राइफल का वही रहेगा। असम राइफल कहीं नहीं जाने वाली और किसी में ताकत नहीं है जो कि हमारी फोर्स को नीचे करे। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं जब आप लोग जाएं रिटायरमेंट के बाद, आप सब नुमाइंदे हमारी फोर्स के, और आपके ऊपर ये निर्भर करेगा कि आप फोर्स के बारे में कैसी बातें करते हैं। बुरा हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है। किसी को बुरा बोलना हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे हैं और अच्छे हो गए हम। मैंने अपनी जिंदगी में ये बात महसूस की है कि कोई किसी की बुराई करता है तो 50 लोग आ जाते हैं साथ में और बुरा बोलते हैं, पर कोई किसी के बारे में अच्छा बोलता है तो कोई सुनने नहीं आता। अगर हम इस फोर्स में हैं और हमारे सामने अगर कोई हमारी फोर्स के बारे में बोलता है, हमारा फर्ज बनता है अपनी फोर्स के, हमारे परिवार में जो मर्जी हो वो हमारा मतलब हमारा काम है, पर कोई बाहर वाला हमारी फोर्स को नीचा नहीं दिखा सकता। आप में से कुछ लोग अच्छी तरह सेटल हैं। कई लोगों से मैंने बोला आप बड़े जवान दिखते हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। किसी ने बोला फैमिली प्रॉब्लम है, एक ने बोला मुझे कम दिखता है, एक ने बोला साहब कुछ समस्या है। पर जो लोग 50 साल से कम हैं, आपकी जिंदगी तो बहुत बाकी है अभी, तो घर में खाली मत बैठना। इज्जत उसी की होती है जो समाज के प्रति समाज में कुछ दे सकता है। आप गांव जाएंगे, आपका मान तभी तक है जब आप किसी काम आए गांव के या शहर के या मोहल्ले के। कुछ भी करो, शरीर को खाली मत छोड़ो। एक नई मॉडल की कार खरीदो, बिल्कुल नई चमचमाती हुई, और उसको 6 महीने खड़ा कर दो, बोलो क्या कर रही है कार, कार आराम कर रही है, ऐसी चमकनी चाहिए, पर कार खोखली हो जाएगी, बिल्कुल चलेगी नहीं। घर में आप 6 महीने कुछ मत करो, सफाई मत करो, बस आराम करते रहो, घर खत्म हो जाएगा। तो जो लड़के जिनकी 50 साल से कम है, जो पहले जा रहे हैं, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ, अपने परिवार के प्रति ध्यान दो, अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दो। और जिन्होंने 60 साल पूरी कर ली है, तो आप लोगों को तो मैं ही बोल सकता हूं कि आपने तो अपना नमक का हक अदा कर दिया। आपने जो कसम परेड में कसम खाई थी वो पूरी करके आप जा रहे हैं सम्मान के साथ और इज्जत के साथ। ये आज पहला
पहला इस तरह का फंक्शन है, अगली बार से इसको हम सोच के और अच्छा करेंगे। एक लड़के ने मुझे बोला साहब ये आखिरी फोटोग्राफ है तो हमको फोटो मिलनी चाहिए। मैं एडीसी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपको यहीं से फोटो दें आपके जाने से पहले फ्रेम करके। इस बार क्योंकि पिछले 4-5-6 दिन में डिसाइड हुआ तो सर्टिफिकेट मैंने साइन नहीं किया, अगली बार से मैं साइन करूंगा। अगर आप लोगों का कोई और सुझाव हो आप देखे जाएं, क्योंकि जब आप इधर से जाएं तो आप अपनी फोर्स पे गुमान करें कि मैं बच्चा आया था, आज मैं बूढ़ा तो नहीं बनूंगा, मैं 60 साल का जवान या 50 साल का जवान जा रहा हूं और फक्र से जा रहा हूं। और आपके डीजी होने के नाते और जितने यहां पे ऑफिसर्स बैठे हैं, हम सब की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो 60 साल वाले हैं उनकी जिंदगी अभी शुरू हुई है। कोशिश करना कि पोते का बच्चा हो तब जाओ, फाइनल पोस्टिंग जल्दी नहीं मत करना। जो मदिरा पान करते हैं उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा कम करना। जिंदगी का नशा बहुत चीजों में है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई अपनी एक्सरसाइज करता है, कोई योगा करता है, कोई घूमता है, कोई तो नशा अगर करना है तो नशा तो 50 चीजों का है जिंदगी में। सो जिंदगी का नशा करिए और कम से कम ये बनाइए कि 40 साल नौकरी की या 35 साल नौकरी की तो कम से कम 30 साल तो पेंशन लूंगा मैं, ठीक है। अपने घुटनों का हक अदा करने का टाइम अभी आया है, इन घुटनों ने साथ दिया आपका, तो इनका हक अदा करिए कम से कम 30 साल और 90 के बाद, ठीक है। सो आप सबको अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपको सुबुद्धि दे, हम सबको दे, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। और तीसरा, आपको जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा करें जिससे आपके कारण किसी का भला हो। कोशिश करिए, अगर आपके कारण दो आदमी भी हंसते हैं, कोशिश करिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने असम राइफल की सेवा करी, भारतीय फौज की सेवा करी, बड़े फक्र के साथ आप जाइए। आप सब के ऊपर हमें बड़ा फक्र है। जहां आप बैठे हैं शायद मैं भी कल यहाँ बैठा होगा, हम सब बैठे होंगे, किस दिन मैं भी वहाँ बैठ के चीफ ऑफ आर्मी साहब एक सर्टिफिकेट देते हैं। आर्मी में एक प्रथा शुरू हुई थी उसमें ऑफिसर्स को देते हैं जो रिटायर्ड जाते हैं, हर महीने करीबन 60 ऑफिसर जाते हैं। इस तरह के फंक्शन को और सोच विचार करके आपसे ही बात करेंगे, अपना सुझाव दीजिए और अच्छा बनाएंगे, ताकि जब यहां से जाओ तो साला छाती ठोक के जाओ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, बढ़िया रहिए, ईश्वर आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद, जय हिंद।
हैं।